बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूंगी और ये भी रेसिपी जो है वो सहरी की है। वैसे तो मुझे पता है कि ये बहुत यूजुअल रेसिपी है, सारे घरों में ये बनाई जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि ये मेंशन किया है कि ये हेल्दी वर्जन है, तो मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जिसकी वजह से ये हेल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप उसको ज़रूर अपने खानों में शामिल कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सुपर फूड है। वो बहुत न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है और वो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब पीसीओएस, थायराइड, ये सब के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है, आपकी बॉडी पेन वगैरह के लिए। तो जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ किनवा के बारे में। और आप जो है ये किनवा, ये देख सकते हैं, ये कुक्ड किनवा है, ठीक है। ये मतलब मैंने कुक किया हुआ है ये किनवा, ठीक है। तो आप अपने खानों में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। तो आज मैं अपने अंडा घोटाला में ये शामिल करने वाली हूँ जो बनाएगा इसको हेल्दी। तो पैन मैंने जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं इसमें 2 चम्मच सिर्फ ऑयल डालूंगी और साथ ही साथ आपको जो है वो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी। पैन चूंकि मैंने पहले ही फ्लेम को ऑन किया हुआ था, फ्लेम अब मैं थोड़ा मीडियम करती हूँ, पहले स्लो था। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इधर 2 अदद मैंने प्याज लिए और उनको मैंने बारीक काट लिया। आप चाहें तो जिस तरह हम बिल्कुल चॉप कर देते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको लच्छे में काट किया हुआ है, मुझे इस तरह पसंद है, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, आप चाहें तो आप बिल्कुल चॉप कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। कटिंग आपको पता है, आपको अपनी हिसाब से होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये हल्का जो है वो पिंकिश हो जाए। बस 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, ज़्यादा मैंने इसका कलर नहीं चेंज करना, ठीक है। इसी मोमेंट पे मैंने यहाँ पर ये देखिए, 2 मैंने मीडियम टमाटर लिए हुए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है, और मैंने एक बड़ी जो है वो हरी मिर्च ली थी, वो मैंने काट ली है, और मैं ये शामिल कर दूँगी। और हम 2-3 मिनट के लिए वेट करेंगे कि टमाटर जो है वो हो जाए सॉफ्ट। जी, तो टमाटर जो है वो यहाँ हो गया है सॉफ्ट, और जो हमारा प्याज है, हरी मिर्ची और टमाटर, वो हो गई हैं यकजान। और इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ऐड करना है, ये 2 चम्मच भर के है, ये कुक्ड किनवा है, ठीक है। मैं ये शामिल करूँगी इसमें 2 चम्मच भर के कुक्ड किनवा, जो इसको बनाएगा हेल्दी वर्जन, ठीक है। ये मेरा किनवा इसमें चला गया, अच्छा सा मिक्स दे दें, ठीक हो गया। और अब हम लोग स्पाइसेस की तरफ चलते हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें जाएंगे, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं जाता। बस मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, और मैं इसमें रेड चिली पाउडर नहीं शामिल कर रही, मैं इसमें क्रश्ड रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और मैं 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये मैं 4 अंडों की रेसिपी बना रही हूँ गाइस, तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ज़्यादा कम, ठीक है। बस इसे अच्छा से हम मिक्स करेंगे, और साथ ही मैं जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ, मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, ये देखिए 4 अदद अंडे लिए मैंने, और मैं ये शामिल कर दूँगी, ठीक हो गया। और अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि जो अंडे हैं वो अच्छी तरह पक जाएँ। तो ये देखिए, अंडे जो है वो पक्के तैयार हो गए हैं और हमारा घोटाला भी बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है हर खाने में, ठीक है। तो ये देखिए कितनी झटपट जो है ये बन जाती है रेसिपी, और मैंने क्योंकि ये हेल्दी वर्जन बनाया है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐड करने से इसका हेल्दी वर्जन रेडी हो गया, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। और ये अक्सर आप लोग सहरी में बनाते भी होंगे, ज़रूर ये हेल्दी वर्जन भी बनाइए, ताकि इंशाल्लाह ताला आपके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी साथ साथ हल हो जाएंगे, और आप लोगों को अगर वेट लॉस करना है तो इंशाल्लाह उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। फ्लेम को कर देते हैं और इसी के साथ रेसिपी होती है ख़त्म। और आप लोग सब मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, और टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।